हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज हम अपना व्लॉग इवनिंग से शुरू कर रहे हैं क्योंकि सुबह से टाइम ही नहीं मिला, ऐसा बोल सकते हैं। और अभी इवनिंग के बज रहे हैं 5, हम भी आ गए हैं और ये भी आ गए। 5:30 हो गया, 5:30 अंधेरा हो गया होगा। हाँ, हम लोग के यहाँ यूपी में हमारे मायके ससुराल दोनों घर में अंधेरा हो गया होगा, और यहाँ देखो 5:30 बजे, ये देखो अभी सनसेट भी नहीं हुआ है भाई। ये देखिए बच्चे इधर खेल रहे हैं, इधर स्विमिंग पूल, इधर सब, और इधर देखिए हमारा चाय पत्ती, इसमें से तोड़ तोड़ के हम चाय में डालते हैं। इधर हमारी तुलसी, ये वाला प्लांट हमने कल लगाया है इसमें गमले में, देखो कितने अच्छे से लग गया है ना। मिट्टी थोड़ा फिर भी कम लग रहा है, ये गमला ही छोटा लग रहा है। और ये देखो स्नैक प्लांट, उसका नाम रहता है। हाँ, स्नैक प्लांट वो लाके लगाना, पता है वो रात में मतलब क्या है कि ये तो पहली बात तो हवा को प्योरीफाई करता है, और दूसरा क्या है वो ऑक्सीजन, हाँ मतलब ऑक्सीजन बहुत ज्यादा देता है। एक चीज और लेना है, पता है क्या, देखिए इसमें क्या हमने दवा डाली थी तो पानी नहीं डालना था, आज अभी रात में पानी डालना है ना। और ये देखिए इस पे धूल है, तो हमको वो चाहिए जिससे सारे प्लांट में पानी डालते हैं, स्प्रे वाला। ये देखो हमारे सारे प्लांट ग्रोथ कर रहे हैं यार, ये देखो ये वाला प्लांट। अभी कुछ प्लांट और लेने हैं, ये सूख क्यों रहा है? सूख नहीं रहा है, वो एक्चुअली पानी नहीं पाया क्या ये? तो भाई आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि हमें और कौन से प्लांट अपने घर में लगाने चाहिए। वैसे और प्लांट हम लगाना चाह रहे हैं, लेकिन कौन कौन से और प्लांट लगाएं आप लोग बताइए। एक तो हमको एलोवेरा चाहिए, जो कि हमेशा यूज़ होता है फेस वगैरह पे लगाने के लिए, बाल वगैरह में लगाने के लिए। और दूसरा एक हमको लगाना है वो पुदीना, जिससे हम वाटर मतलब पानी पीना हो तो उसमें हम अपना डिटॉक्स वाटर बना के पी सके, सब्जी वगैरह में जब भी हमको ज़रूरत हो चटनी सलाद वलाद में आराम से खा सके। और क्या क्या चाहिए हम भूल गए, इनको हमने बताया था। और ये देखो ये वाला प्लांट तो हमारा सबसे अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसको हम अंदर रखे, देखो कितने सारे फ्लावर्स आ रहे हैं इसमें। ये देखो हमको सबके लिए ना स्प्रे वाला लाना है, जिससे पत्तियां थोड़ी अच्छी हो जाएंगी, क्योंकि अभी गंदी गंदी दिख रही है। और इधर देखो ये वाला प्लांट क्या हो गया, क्या हो गया, पानी सब में डालना है। हाँ, दवा पड़ी थी ना, ये देखो चींटियां वाली दवा डाले थे इसमें, चींटियां उतरी गई। मच्छर देखो, मत करो, ऐसे करो आर आउट लगा के तब करना, सब बैठ जाएंगे वापस से। चले चलो, थोड़ा हम लोग को सब्जी भी लेना है। हाँ, ये देखो इधर पूरा हमारा चश्मा कहाँ गया, चश्मा हमारा हाँ भी लगाए थे थोड़ी देर पहले, आपका तो इधर रखा है। हाँ, क्या क्या लाना है, क्या खाएंगे आज सब्जी वगैरह? सब्जी में क्या बनाओगे, सब्जी में बताइए। मटर तो है, मटर कुछ और सब्जी खाते हैं, सब्जियों से भिंडी ले लो, या भिंडी अभी नहीं मिलेगा, भिंडी गर्मी में मिलता है, नहीं आता भिंडी, वो भी नहीं मिलेगा अभी इस टाइम, अलग सब्जियां आती हैं, हरी सब्जी, सोया मेथी, पालक, ये सब आएगा। अच्छा वो हम क्या कह रहे थे, एक जूस वाला मशीन मंगा दीजिए, 2.5 का ऐसे मिलेगा ना, चलें। देखो इतनी देर से चश्मा कर रहे हैं, चश्मा हमारे पास ही है और पता भी नहीं रहे कि नहीं, मैंने देखा नहीं चश्मा। हाँ, एक चीज आप लोगों ने नोटिस किया कि नहीं, ये देखो हमारे घर के पर्दे आ गए और ये फुल्ली ब्लैकआउट है। हम जिस दिन आए थे, मतलब जिस दिन वो अंकल लेके आए थे, तो लगाता हूँ सही से। हाँ लगाइए, आपने ऊपर से सही नहीं वो किया है, अरे आपको आता नहीं है। देखिए ये जो इसका स्टिचिंग हुआ है ना, एक नंबर वाला, इतना मस्त है। और ये कितने कर्टेन है आप बताओ कमेंट करके। पहले हमने 3 लिए थे, फिर 4 लिए ऑनलाइन मंगाए, फिर जब हमने मंगाया तो 4 में भी नहीं हो रहा था, फिर 3-4 कई बार हमने पर्दे लिए, फाइनली ये हमने कलर डिसाइड किया था, मतलब आपकी दीदी ने जो भी बोलो, हमने ये कलर चूज़ किया और ये कलर काफ़ी अच्छा भी लग रहा। और सेकेंड ये कि पूरा ब्लैकआउट है, धूप आता है ना तो भी ये धूप को रोक लेता है, जब धूप रहेगा तब हम आपको दिखाएंगे। देखिए ऐसे बंद हो गया ना, पता नहीं चल रहा बाहर दिन रात कुछ भी नहीं। तो अभी हमको ऐसे ही पूरे घर के लिए पर्दे चाहिए, उधर बेडरूम और उधर साइड के लिए। तो बस कलर हमको ये नहीं रखना है, थोड़ा कलर और चेंज रहे, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा हम बेडरूम में हैं कि हॉल में हैं कि किधर हैं।
चलो बहुत हो गया, अभी चलते हैं, हम लोग बाहर जा रहे हैं ना। देखो ट्रेन जा रही है। बाय बाय। कितना मस्त लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि ये पटरी एकदम पास में है, बट ये बहुत दूर है। बहुत दूर नहीं है फिर भी दूर है। और ये जो खेत दिख रहे हैं ना, इसमें हमेशा पानी भरा रहता है, पता नहीं क्या है इसमें, ना ही सब्जियां मतलब कुछ कोई फसल दिखती है ना कुछ नहीं। गई ट्रेन, ये देखो बहुत मस्त लगता है सुबह सुबह। अभी भी ऐसा फॉगी फॉगी लग रहा है, ये फॉग है मतलब कोहरा है या पॉल्यूशन है पता नहीं, आप लोग बताइएगा कमेंट करके। बच्चे खेल रहे हैं। सुबह पता है अचानक से लिफ्ट में बंद हो गई, तो खोलो ना, तुम चाबी लेके आके खोले था, तो फिर उसने ये अलार्म दबाया, तो फिर सिक्योरिटी गार्ड वाले फिर गए चाबी से खोल कर उसको लेकर आए। खाप रहा था बहुत ज्यादा। ये डब्बे भी हैं देखो, ये सही है, पानी कम आएगा लेकिन कितने का आएगा ये 60 रुपए का। और खाली वो चाहिए तो पाइप ये, हाँ ये 20 रुपए 20 रुपए का। हमने ये वाला ले लिया है, सही है ना? हाँ सही। चलें 50 रुपए कपड़ा। और कुछ और क्या चाहिए? लग रहा कि भंडारा लगा है। ये क्या है? बाथरूम के लिए पौधान। ये झाड़ू कैसे है? ये प्लास्टिक है? अच्छा थोड़ा देखने दो, प्लास्टिक ये रहता है। अच्छी क्वालिटी का है ना, खराब नहीं होता है। जो गया है उसका किसी का कंप्लेंट आया नहीं। क्या झाड़ू भी लेना है क्या? झाड़ू अभी है लेकिन वही देख रहा हूँ बहुत ज्यादा टूट रहा है ना, खराब हो गया। वो टूट गया था फिर लेते हैं, अभी चल जाएगा 2-4, 10 दिन 15 दिन 20 दिन। ये तो प्लास्टिक वाला ही ले जाएंगे। प्लास्टिक का अच्छा सब पूरा साफ। प्लास्टिक झाड़ू से ही मारते हैं आप? हाँ। झाड़ू चलिए आएंगे लेने। तो भाई वापस आ गए, ये देखो, देखिए ये 25 दिसंबर को डेकोरेशन हुआ था। देखो भाई घर में अंधेरा कितना है, सिर्फ ब्लैकआउट पर्दे की वजह से। इधर किचन में देखो उजाला है। अब हम जलाते हैं लाइट। टिन टिन। अरे ये खुला ही था विंडो, ठंडा नहीं गर्म हो जाए। हम गए थे सब्जी खरीदने पर सब्जी कुछ लिए नहीं, ऐसे ही चले आए सिर्फ इसको लेके। बताओ। हाँ एक चीज और है, सब्जी का यहाँ ना जो सब्जियां हम लोग के गांव में अच्छा मिलता है फ्रेश, वो यहाँ पे नहीं मिलता है। जैसा सब्जी गांव में मिलता है वैसा यहाँ नहीं मिलता है। मतलब सब्जी मिलता तो हर जगह है लेकिन गांव वाला सब्जी यहाँ नहीं मिलता है। दूसरी चीज ये कि नॉर्मल डे जैसे देखो हम ये कह रहे थे कि यहाँ पे गांव जैसी हरी सब्जियाँ मतलब एकदम ताजी फ्रेश सब्जियाँ नहीं मिलती हैं। जो भी मिलती हैं वो ऐसा लगता है कि क्या ही बताएं कैसा लगता है। अगर आपको ऐसे सब्जियाँ लेना है मॉल में भी मिल जाएगा, इधर भी मार्केट में इधर उधर मिलेगा, लेकिन वो ताज़ी सब्जियाँ नहीं रहती हैं। अगर ताज़ी सब्जियाँ एकदम चाहिए तो स्टेशन साइड जाओ, कहीं पर भी हर जगह यहाँ पे स्टेशन पे ही सब्जियाँ मिलती हैं। मतलब सब्जी मंडी होता है लेकिन स्टेशन पे सब्जियाँ क्यों मिलती हैं इसका रीजन बताएंगे? लोग क्या है कि अपने ऑफिस से जब आते हैं तो स्टेशन से ही आएंगे, क्योंकि मोस्टली लोग लगभग 95% लोग अपने जॉब यानी अपने ऑफिस में जाने के लिए लोकल ट्रेन का सहारा लेते हैं। तो जो भी बंदा वापस घर के लिए आता है तो वो सब्जियाँ रास्ते में मिलता तो लेते हुए आता है। यहाँ पे मुंबई में हर स्टेशन के पास सब्जियाँ मिलती हैं। और ये सब्जी काहे नहीं लेके आए, इनको लगा रखा है? गया था इनको मैं बोला कि सब्जी ले, बोला ताजी नहीं है। चलो ठीक है अपने बिल्डिंग के बगल वाले से लेना, केला लगा था सब्जी वाला, ये बोली कि हाँ ठीक है। अब सर भूल गई, अब यहाँ के बोला करे सब्जी लेना ही। अपने बिल्डिंग के बगल कहाँ था ठेला? वो बिल्डिंग के बगल था ना, वो लगाया था वहाँ सब्जी यहाँ फ्लावर वाला क्या बोलते हैं, अरे वहाँ हम देखे नहीं है, हम ध्यान ही नहीं था। और दूसरा चीज सब्जी ना, जैसे जिनके पास फ्रिज है यहाँ पे क्या होता है,
हफ्ते में एक दिन हर जगह मतलब मार्केट लगता है, जैसे यहाँ संडे को लगता है, संडे मार्केट में सब्जी ले लो पूरे हफ्ते खाओ, तो ऐसे क्या है कि हम सब्जी ले लेंगे खराब हो जाएगा, सूख जाएगा, सड़ जाएगा, फ्रिज नहीं है इसलिए, जब फ्रिज जिनके पास है वो पूरे वीक की सब्जियाँ ले लेते हैं और वो थोड़ा सस्ता भी मिल जाता है और अच्छी सब्जियाँ भी रहती हैं। सब्जियाँ सबसे सस्ती मिलती हैं। हाँ, सबसे ज्यादा सस्ती रहती है ना। हाँ लीजिए थोड़ा, हम कुछ लेके आए। अकेले अकेले मैं समझ गया, कुछ लोग भाई वड़ा पाव खाते हैं। हम वड़ा पाव नहीं खाते। मैंने बोला वड़ा पाव खाओगे, बोले नहीं, तो हमने वड़ा पाव खा लिया। हमको ये अच्छे लगते हैं, ये केसर फालूदा है। कंचन सब्जी तो लेकर आए नहीं यार, तब चलो बाहर खा के आते हैं, चलोगे? कहाँ चलेंगे? यही बगल जो बिल्डिंग के नीचे जो रेस्टोरेंट है उसी के नीचे। जो उस दिन वहाँ मॉल में खाए थे वो वाला, क्या नाम था उसका? अच्छा, PVR के पास क्या? हाँ, जो उसका राइस था, वाओ चाइना में क्या? वाओ चाइना रेस्टोरेंट था वो। वाओ चाइना में राइस था, उसमें मंचूरियन था और वेजिटेबल्स थी, पनीर था, बहुत सारी चीजें। पता नहीं क्या नाम था उसका। मुंह में पानी आ गया। तो चलना है, वही चलना है कि मतलब वो तो काफी दूर पड़ेगा। वहाँ कहाँ जाएंगे, बहुत दूर हो जाएगा, वो फिर कब आएंगे? भाई यही है कि हम लोग के पास गाड़ी नहीं है, साला कहीं जाना होता सोचना पड़ता है। एक बार अगर गाड़ी होती हमारे पास तो कहीं आने जाने में दिक्कत नहीं होती, कहीं भी जाना हो चले जाओ। ऐसे क्या है, जाओ फिर यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, बहुत ज्यादा टाइम भी जाता है। तो बाहर क्या खाओगे? वही अगर मिलेगा तो वही खाएंगे। वो तो नहीं मिलेगा इधर। हम सही लग रहे हैं? हाँ सही लग रहे हैं। जैकेट पहन लो, चलो चलते हैं। अरे वाह, देखो कितना सुंदर लग रहा है आज चांद। गुलाबी, गुलाबी नहीं सॉरी, नारंगी कलर का है। नहीं, गुलाबी है कि नारंगी समझ में नहीं आ रहा, कैमरे में उतना क्लियर नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत सुंदर लग रहा है यार। देखो आप रात में ना निकलती नहीं हो रूम से, रात में इसलिए आपको चांद नहीं दिखता। नहीं तो वाइट चांद दिखता है, ऐसा नहीं दिखता आज, है ना? ये नारंगी या पिंक है? नहीं, ये एक्चुअली नारंगी है। नारंगी है ना? लिफ्ट बुलाया है? नहीं बुलाया। ये देखो अभी भी क्रिसमस ट्री लगा हुआ है यहाँ पे, सजा ही रहेगा अभी कम से कम 10-12 दिन तक ऐसे ही। बच्चे खेल रहे हैं गार्डन में, सजाए ऐसे 4-5 दिन लगा के, बिगाड़ देंगे कोई मतलब नहीं ना। थोड़ा कुछ लगा रहेगा। वो देखो पार्टी भी थी। ये देखो, ये हमको मिला है टाइम पास, जब तक नहीं आ जाता तब तक टाइम पास करिए। अच्छा ग्रेवी इसी के अंदर है क्या? राइस में ही ग्रेवी है, हम बोला ग्रेवी अलग से देंगे क्या? तो भाई हमने इनसे पूछा कि आपके यहाँ सबसे बेस्ट क्या होता है, तो उन्होंने यही बताया, तो हमने यही मंगा लिया है। और हमको लगा था कि ग्रेवी अलग से रहेगी, लेकिन ग्रेवी इसी में मिक्स है ऊपर से, ऐसा लग रहा दाल चावल खिचड़ी हो गया। अभी हम खाते हैं ये मंचूरियन है, हम बोला का पनीर का है, ये पनीर है, पनीर है, पनीर वेजिटेबल मिक्स है। अच्छा ग्रेवी अलग से होता तो हमको ज़्यादा अच्छा लगता, खाना मिक्स करके ही अच्छा है। ये जो पनीर मंचूरियन है ये कम अच्छा लग रहा है, बट ये अच्छा लग रहा है ज़्यादा, ग्रेवी जो है और राइस। और राइस में क्या क्या है? ब्रोकलीन है, गाजर है, बेबी कॉर्न, और इसमें भी मंचूरियन है, बट ये पनीर वाला नहीं है, वेजिटेबल है, बहुत टेस्टी है। भाई देख रहे हो, इन्होंने ऑर्डर करके मंगा तो लिया, और ये है 4 लोग का स्टॉक कम से कम, और 4 लोग का स्टॉक मंगा लिया, खा नहीं जा रहे इनसे। नहीं बता दें, नहीं जाना तो। हाँ ये 500 रुपये का है, देख लो द ग्रेट खली भी नहीं खत्म कर पाएगा। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना कर्टन की वजह से। ये लीजिए, क्या लीजिए? लीजिए देखिए, ये पैक करा के लेके आए हैं किचन में। पहली बात तो ये था, आई थिंक दोनों का खाना भी है, दोनों का खाना है भी। हाँ एक्चुअली में हुआ ये कि हमने जो खाना ऑर्डर किया वो 3-4 लोगों का था, हम दोनों लोग खा लिए, उसके बाद भी बच गया, तो इसीलिए हस्बैंड ने पैक करवा लिया। हमारा एक पार्सल आया है कई दिन से, इसको खोलना है। प्लीज क्या मंगाया आपने? हमने भी मंगाया था, देखते हैं कई दिन हो गया।
ये क्या है? ये मेरा फेस वॉश है। ये साथ 500 रुपए का है। दो हम ये कई सालों से यूज कर रहे हैं, जो हमारे स्किन वाले डॉक्टर हमको दिखा के, तो अगर आपको चाहिए तो आप भी मंगा सकते हो, आपको लिंक मिल जाएगा ऊपर या नीचे। रात के बज गए हैं ऑलमोस्ट 10 और सुबह के खाने की तैयारी हो रही है, क्योंकि हम लोग को सुबह 6 बजे ही खाना बना लेना होता है, खा के निकलना होता है ऑफिस। वो तेरी की दूध गिर रहा है मेरा, बार बार तो गिरा रहे हैं। बच गया, कल छोला बनेगा, इसको लाए 1 महीना हो गया, आज तक वही नहीं किया। अच्छा, छोला अलग, चना अलग भेज रहे हो, ये चना नाश्ते के लिए है क्या? हाँ, कुछ अभी खाने के लिए हो जाएगा। दूध बंद कर दूँ क्या खोल के अच्छे से?